हेलो एवरीबॉडी, मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग की सीरीज में आज हम थर्ड लेक्चर ले रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके लिए करते क्या है, मास को स्प्रिंग के एंड पर सस्पेंड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेट होता है ये स्प्रिंग को एक्सटेंड करता है। वो एक्सटेंशन हम स्केल पर पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस पढ़ता क्या है, स्प्रिंग में टेंशन। क्या चीज मेजर करता है, स्प्रिंग में कितना टेंशन है। तो हम एक छोटा सा टेक्निक यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि जब भी हमको रीडिंग लेना है तो टेंशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि स्ट्रिंग में होता है, जैसे मासलेस स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी। क्लियर है? तो चलो अप्लाई करके देखते हैं इस चीज को। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 10 केजी का ब्लॉक स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ऐसा क्यों किया है? क्या देख रहे थे अपन, इसका जो भी वेट है इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा था, इसमें जो टेंशन है उसका मेजरमेंट हो रहा था। तो हम यहाँ टेंशन का मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट? तो इस 10 केजी के ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। 10 केजी का ब्लॉक का एमजी डाउनवर्ड लग रहा होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बैलेंसिंग स्टेट में होगा क्या टी इक्वल टू एमजी। एम कितना अपने पास, 10, जी 10, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। अब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो किलोग्राम फोर्स में होती है, या किलोग्राम वेट भी कहते हैं, किलोग्राम बार कहते हैं जैसे हिंदी में। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं केजीएफ। तो जब भी आपको, ध्यान दीजिए, टेंशन को, यानी कि टेंशन क्या चीज देख रहे हैं अपन, स्प्रिंग फोर्स, उसे हमें रीडिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको जी से डिवाइड करना है। जब भी रीडिंग लेना है तो टेंशन जो भी आपका आ गया है जी से डिवाइड कीजिए, 100 आपका आया, 10 से डिवाइड कीजिए, आपके पास कितना आ गया 10 केजी। मीनिंग ये हो गया कि स्प्रिंग बैलेंस कितना पढ़ के देगा आपको 10 केजी। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब आपके पास में एक हॉरिजॉन्टली एक स्प्रिंग बैलेंस नजर आ रहा है और यहाँ से एक 2 केजी का ब्लॉक सस्पेंडेड है, राइट? एफबीडी बनाते हैं इसका 2 केजी का। एमजी डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड होगा। इक्विलिब्रियम में T इक्वल टू mg होगा, 2 इनटू 10 कितना होगा 20 न्यूटन, राइट? अब अल्टीमेटली ये स्प्रिंग बैलेंस केवल और केवल ये टेंशन पड़ेगा। स्ट्रिंग भी मासलेस, स्प्रिंग को भी हम मासलेस मान के चलते हैं, तो थ्रू आउट एक रीडिंग होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या पढ़ के देगा आपको, टेंशन। रीडिंग लेना है तो हम क्या बता रहे हैं, टेंशन में जी का डिवाइड कीजिए आप 20/10, तो कितना 2 केजी, यानी स्प्रिंग बैलेंस कितना पढ़ के देगा आपको 2 केजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जोड़ दिए हमने। अब आप वैसे ही बताइए, सबसे पहले मासलेस है तो मासलेस स्ट्रिंग में थ्रू आउट क्या टेंशन एक ही नहीं होता, इन दोनों का रीडिंग एक ही आने वाला है ना। चलिए देखते हैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप। हमें पता है टेंशन एक ही ट्रांसमिट होता है तो एक ही आने वाला है रीडिंग। तो एफबीडी बनाया जा रहा है इसका 2 केजी का, एमजी डाउनवर्ड और ये टेंशन अपवर्ड। इक्विलिब्रियम में टी क्या होगा एमजी, एम कितना 2, जी कितना 10, तो कितना होगा 20 न्यूटन। रीडिंग कितना है 20/10, और एक ही रीडिंग, एक ही टेंशन ट्रांसमिट होना है, तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस कितना पढ़ के देंगे आपको 2 केजी। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन लो, तो ये बीच में कनेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, ये टेंशन को पढ़ के देता है। क्या पढ़ता है, टेंशन को, राइट? चलो ले लेते हैं फिर डायग्राम। टी किसके बराबर, एमजी 20 न्यूटन, है ना। रीडिंग कितना आना चाहिए इसका 2 केजी। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इस बार अलग अलग ले लिया, ठीक है। वहां तो आपको वैसे भी दिख रहा था 2-2 था, तो आपका आंसर 2 केजी होगा, राइट? अल्टीमेटली क्या है, टेंशन पड़ता है इस तरीके का। एटवुड मशीन में जो टेंशन क्या होता है, ट्वाइस m1 m2 m1 प्लस m2g, राइट? न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था किस तरीके से टेंशन एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, आपको याद होगा, ट्वाइस m1 m2 m1 प्लस m2। जरा इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये 2, m1 आपका 2 और m2 कितना है 1, 2 प्लस 1 g, तो ये आ गया 4/3 g न्यूटन, है ना। रीडिंग लेना है आपको इसका, तो क्या बताया हमने, g का डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4/3 kg, यानी स्प्रिंग बैलेंस कितना पढ़ के देगा आपको 4/3 kg, है ना। बेसिकली अगर फोर्स में बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं kgf या kg वेट, राइट?
चलिए इस बार दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं, उससे 2 केजी सस्पेंड है और पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको S1, S का मतलब स्प्रिंग है या स्प्रिंग बैलेंस, इनकी रीडिंग सबसे पूछी गई है। सबसे पहले बार बार इस बात को रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि मासलेस स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, दोनों में एक ही टेंशन ट्रांसमिट होता है ना, तो दोनों का रीडिंग आना है एक ही। सबसे पहले FBD बनाते हैं 2 केजी का, MG डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, राइट, और एसलेटेड है तो ये भी एसलेट होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ ले लें, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है तो टी ज्यादा होना चाहिए, तो टी माइनस एम जी कह दिया हमने, हमें तो टी हमारे पास आ गया एम जी प्लस ए, वैल्यू पुट कर देते हैं, जी 10 और ए कितना है 5, है ना, तो कितना आ गया हमारे पास 30 न्यूटन। लेकिन हमें रीडिंग चाहिए, सिंपल सी बात बताइए, हमने जी का डिवाइड कीजिए जी यानी 10 का, तो इसका मतलब S1 और S2 कितनी रीडिंग देंगे 3 के जी एफ के बराबर, एफ का मतलब फोर्स, ये वेट के बराबर, क्लियर। और हार्ड करते हैं इसको क्वेश्चन को। अब वैसे दो पुलिस हैं और एक S1 और S2 दो स्प्रिंग बैलेंसेज कनेक्टेड है इसमें, राइट, और हमसे रीडिंग पूछा है, फाइन। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्प्रिंग जो भी है उनको स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दीजिए, स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, राइट, मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग अज्यूम कर लिया। अब आपका बन गया ये पुली और ब्लॉक सिस्टम, एटवुड मशीन बन गया आपका, राइट। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले ये एक मूविंग पुली है तो इसका इफेक्टिव मास फाइंड कर लेते हैं, वो सेंटर ऑफ मास से फाइंड करते हैं, और आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो टेक्निक याद रखिए, 4 m1 m2 m1 plus m2, हाँ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो वही करते रहेंगे अपन। तो इसका इफेक्टिव मास फाइंड कर रहे हैं 4 6 into 2 6 plus 2 6 kg, इसका मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम का इफेक्टिव मास कितना है 6 kg है, तो इसकी जगह हम 6 kg रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी जगह हमने 6 kg रिप्लेस कर दिया। अब आप गौर से देखिए, ये भी 6 kg, ये भी 6 kg, तो ये तो सिस्टम बैलेंस हो गया बेसिकली, आपका दोनों तरफ 60 न्यूटन लगना है, तो इस टेंशन की वैल्यू कितनी आनी है आपके पास में, 60 न्यूटन आना है, यस और नो, तो जो लेफ्ट साइड है ये आपका 60 न्यूटन फॉलो करेगा, और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो टेंशन कितना है 60 न्यूटन आपका, राइट, ओके। इस टी डेस की बात करें तो टी और टी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ टी, तो ये टी डेस की वैल्यू कितना होगा आपका, टी डेस का वैल्यू कितना होगा 120 न्यूटन, कितना होगा 120 न्यूटन, राइट, ओके। अब देखिए दोबारा से हमें जो स्प्रिंग बैलेंसेज की रीडिंग चाहिए S1 S2, ये यहाँ तक आ गए थे अपन, दोबारा से हम इसको उनकी जगह दोबारा स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर लें, है ना, तो जिससे आप कंपेयर करना ईजी हो। तो ये टी डस बेसिकली यहाँ है आपका, S2 की रीडिंग है आपका, गेटिंग, है ना, और S1 इस स्ट्रिंग में है आपका बेसिकली, जो कि ये 60 न्यूटन आपका बता रहा है ना, ये टी यहाँ S1 को शो कर रहा है आपका, तो S1 की रीडिंग क्या है, टी है 60, जी का डिवाइड करें तो कितना गया 6 kg, राइट। अब S2 की बात कर लेते हैं, S2 क्या है, टी डस, टी प्लस टी, है ना, टीडस, तो ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 120 बाई 10, तो कितना आ जाएगा 12 kg। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इजी था, कैसे किया हमने, सबसे पहले दोनों स्प्रिंगों को मासलेस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, फिर इनका इफेक्टिव मास फाइंड कर लिया था हमने जो कि 6 kg आया, इससे हमें पता लगाया कि दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा 60 न्यूटन के बराबर होगा, राइट, तो यहाँ जो आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है इसका रीडिंग 60 न्यूटन के बराबर होगा, तो रीडिंग के लिए हमने क्या कर दिया, टेंशन डिवाइड कर दिया, राइट, ओके। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर टेंशन फाइंड कर लिया टी डस, इसमें टी डस फाइंड कर लिया, ये इधर 60 60 तो कितना हो गया था 120 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया था 12 kg, क्लियर। नेक्स्ट तरह क्वेश्चन लेते हैं, अब हमने ये 4 स्प्रिंग बैलेंसेस यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, कितने 4। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको टेंशन फाइंड करेंगे, टेंशन फाइंड करने के लिए स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर देते हैं, स्ट्रिंग, तो इन चारों की जगह पर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं, बना दें, चलिए ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, क्लियर है, राइट। अब आप देखिए जरा गौर से इसको,
देखिए यहाँ जो टेंशन आने वाला है 12 kg के बराबर आने वाला है, 12, यस और पूरी स्ट्रिंग में 12 आएगा। देखिए वैसे देखिए यहाँ कितना आएगा, 12 kg के बराबर टेंशन आएगा, यहाँ भी 12 kg, यहाँ भी 12 kg, राइट। तो इस स्ट्रिंग में 24 होना चाहिए, यस यहाँ 24 kg है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम तो बैलेंस है। दोबारा से वंस मोर, 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो इस स्ट्रिंग में 12 kg के बराबर का टेंशन है, 12 kg। मासलेस स्ट्रिंग में थ्रू आउट द लेंथ एक ही होता है, तो यहाँ भी 12 kg, यहाँ भी 12 kg के बराबर होगा। तो 12 और 12 यानी यहाँ 24 होना चाहिए, यहाँ 24 ही कनेक्टेड है आपके पास, इसका मतलब पूरा सिस्टम बैलेंस है आपका। ये सब बता दें टेंशन एक बार, ब्लॉक से अवे अलॉन्ग द स्ट्रिंग, है ना। वैसे रफली अपने देख लिए सारी चीजों को, ऐसे दिखाते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द पुली, या दिखाना है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। हमने देखा मासेस इक्विलिब्रियम में, तो अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये हमने क्या देखा था, इस सिस्टम में कितना है, 12 kg न्यूटन के बराबर है ना, 12। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो जी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके। टी फोर की बात करेंगे, इस सिस्टम में कितना है, 24 g के बराबर, राइट। टी फोर किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ टी टू, राइट। तो 24 का फिर बड़े ग्राम देख ले अपन एक बार, 24 g है इधर ऊपर, ये टेंशन आपका T4, ठीक बात है। अब रीडिंग चाहिए, अब तो रीडिंग के लिए दोबारा से स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें, राइट। अब एक एक का देख लेते हैं, है ना, बहुत आसान है। देखिए S4, S4 कौन सा, ये वाला, आप बताओ कितना था, वैसे याद होगा 24 kg के बराबर था, यानी mg, या तो 24 g कहते हैं आप। तो जब इसका रीडिंग लेना है, T4/g करना है मेरे को, 24 g, तो इसका रीडिंग क्या आएगा, यहाँ जो कनेक्टेड है इसका 24 kg F के बराबर, क्लियर है। S2, S2 कहाँ, ये रहा S2, राइट। तो आप बताइए, यहाँ बात की थी अपने 12 था, तो पूरी स्ट्रिंग में 12 था कि नहीं, है ना, तो 12 के बराबर आना चाहिए यहाँ पर। तो ये 12g/10, तो कितना आ गया, 12 kg। आ रही बात समझ में, चलिए S1 की बात कर लेते हैं। S1 कहाँ है, ये S1, तो S1 इसको पढ़ के देगा आपको। देखिए यहाँ भी आपका कितना है, 12, यहाँ भी कितना आपके पास, 12, राइट। तो ये कितना देगा, 24 देगा कि नहीं देगा, है ना। तो देखिए ट्वाइस टी टू हो गया ना, T1 ट्वाइस टी टू, जी का डिवाइड कीजिए, 24 kg आ गया, क्लियर। अब रह गया आपका S3, S3 को भी देख लेते हैं। S3 तो आपको इसको इसकी रीडिंग देना है बेसिकली, ये सब 6 kg वाला। T3 कितना है, 6 g के बराबर है, जी का डिवाइड किया तो 6 kg आ गया, क्लियर हो गया सबको। तो कितना भी हार्ड हो जाए स्प्रिंग बैलेंस, कितनी किसी कहीं भी कनेक्टेड हो, सिंपली हमने क्या बताया यहाँ पर पूरे प्रोग्राम के अंदर, कि सबसे पहले स्प्रिंग को मासलेस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो और स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो, क्लियर है। रीडिंग के लिए चीज से डिवाइड कर दो, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस आपको KGF या KG वेट में रीडिंग देता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गए, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने जाएंगे स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट कर दें तो इसकी मैकेनिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स पर क्या चेंजेज आ जाता है, उनको कैसे डील करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।